तो दोस्तों आज हमारे साथ है सीए फाउंडेशन के स्कॉलर्स। आइए देखते हैं क्या हम लोग इससे टेक ले सकते हैं, कैसे इन्होंने अच्छा स्कोर किया, व्हाट वाज देयर स्ट्रेटजी, क्या प्लान किया उन्होंने। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास राउंड टेबल है और सारे के सारे स्कॉलर्स हैं, बहुत अच्छा स्कोर है इनका। सो चलिए शुरू करते हैं। कशिश, पहले तो आप बताओ, आप सबसे ज़्यादा नंबर आप ही का है। सो व्हाट योर स्ट्रेटजी, आपका टाइम टेबल कैसे मैनेज किया, सिलेबस पूरा टाइम पे कैसे खत्म किया? कंसिस्टेंसी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज की, सही बोल रहा हूँ क्या मैं? कि कंसिस्टेंसी नहीं आती। मुझे ना स्टूडेंट्स ये भी कहते हैं कि सर एक घंटे का लेक्चर पता नहीं खत्म करते करते तीन घंटे क्यों लग जाते हैं। सो इस प्रॉब्लम से कैसे डील किया तुम लोगों ने? पहले तो जवाब मुझे उसका पता नहीं है कि एक घंटे का लेक्चर तीन घंटे में कैसे खत्म होता है, वो तो वैसे भी चलता ही जाता है। बट मैंने सिलेबस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट वॉज रेगुलर क्लासेस के साथ जो चलता जा रहा है कॉन्सेप्ट बुक वाइज, उसको उसके साथ साथ पढ़ती गई। फिर जो सेकेंड पार्ट था वो था मेरा 2 मंथ स्ट्रैटेजी बिफोर द एग्जाम्स। उसमें पूरे सारे सी ए फाउंडेशन के 4 सब्जेक्ट्स के सिलेबस को कंसाइज फॉर्मेट में पर पूरा रिव्यू किया था। देन थर्ड जो पार्ट था वो 1.5 डे का था, जो मुझे एग्जाम भी फॉलो करना था वो मैंने पहले ही 8 दिन प्रिपेयर करके रखा था। सो दैट्स हाउ आई डिड इट। इन शॉर्ट मुझे समझ में आ गया कि कशिश जो है वो बहुत स्कॉलर स्टूडेंट है, उसने प्रॉपर प्लान किया था। तो हमें कुछ ऐसे स्टूडेंट से बात करते हैं, बॉयज का इंटरव्यू लेते हैं अपन, जो अपन एक रियलिटी चेक देंगे। सर हम लोग पूरी मक्कारी करते हैं, उसके बाद हम कैसे ट्रैक करते हैं? ठीक है, शर्वरी से बात करते हैं, पूरी मक्कारी करने के बाद ट्रैक पे कैसा था? शर्वरी मुझे एक जेन्युइन क्वेश्चन है दैट तुम लोग मुझे रिपोर्ट कर सकते हो कि ये कॉन्सेप्ट हैंडबुक जो हमने मैथमेटिक्स के लिए रेफर किया था, हाउ दैट वर्क्स, क्या? सो ऑनेस्टली कॉन्सेप्ट हैंडबुक सबसे हेल्पफुल था, क्योंकि जब एग्जाम का दिन था उसके पहले सुबह स्टैटिस्टिक्स का फॉर्मूला रिवाइज करने के लिए वही एक था कि चलो रिवाइज करना है फॉर्मूला, पहले कॉन्सेप्ट हैंडबुक ले लो, हो जाएगा। मुझे एक मैथ्स में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि सर मल्टीपल रिविजन कैसे करें, और मैथ्स के रजिस्टर भरते जाते हैं। सो दैट्स व्हाई वी मेड अ कॉन्सेप्ट हैंडबुक के सारे कॉन्सेप्ट्स एक जगह पे एंड क्वेश्चंस एक जगह पे। और मैं आपको एक स्टूडेंट्स मिलवाना चाहूंगा, करण को मैं बता दूं, करण एक ऐसा स्टूडेंट है जिसने एलसीएम तक पे मुझे को परेशान किया है। मैं सही बोल रहा हूं सर वो पावर कैसे सॉल्व करते हैं, एलसीएम कैसे सॉल्व करते हैं? करण तो एक एवरेज स्टूडेंट होता है जो इन छोटी छोटी प्रॉब्लम से बहुत डरता है। मतलब आप एक जीता जाता एग्जाम्पल हो कि ऐसे बच्चे भी मैथ्स में अच्छा कर सकते हैं। एंड ही वॉज सुपर कॉन्फिडेंट बिफोर द रिजल्ट कि आपका रिजल्ट अच्छा आने वाला है, करेक्ट? अरे आप टेंशन मत लो सर, मैं पास हो जाऊंगा सर। सो करण कैसे अपने बेसिक्स को कैसे इंप्रूव किया? बेसिक्स का ये था जो आप क्वेश्चंस कर रहे थे, लॉगरिथम हो गया, डेरिवेशन, वो तो मेरा ऐसा था कि मेरा पूरा बेसिक्स वो डेरिवेशन चैप्टर से हुआ। डेरिवेशन जो सॉल्व करा है आपने बड़े बड़े क्वेश्चन, उसको ऐसे मेरे बेसिक्स जो पावर बेसिक क्वेश्चन था एलसीएम एचसीएफ वो सब क्लियर होते गए। मेरा मैथ्स का वो कॉन्सेप्ट बुक ने जो स्टैट्स के फॉर्मूला शीट्स दिए थे आपने लास्ट में, तो वही मैं मल्टीपल टाइम्स करता रहा, और मैथ्स के भी वही कॉन्सेप्ट के हैंडबुक के सारे पन्ने पलटते गए। और वो वैसे मैं करण ने बहुत बड़ी बात बोली कि डेरिवेशन जो आप छोड़ के जाने की बात करते हो, उस चैप्टर ने करण का बेसिक्स डेवलप किया। सो मैं हमेशा कहता हूँ कि आपके बड़े बड़े चैप्टर्स जो होते हैं वो आपका बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं, उसे छोड़ के मत जाइए, पूरा 100% सिलेबस पढ़ के जाना चाहिए। कमिंग बैक टू आर्यन, आर्यन आपने आप कुछ टिप्स देना चाहोगे कि कंसिस्टेंसी को लेकर के जो बच्चे लेक्चर्स को टाइम पे नहीं खत्म कर पाते क्या करना चाहिए? मतलब मैंने तो कैसे किया था, मतलब जो पहली बार सर ने बताया था वो एकदम परफेक्ट किया था। मतलब सर ने पहले तो बहुत इन डेप्थ बहुत ज़्यादा बताया था कि ये ऐसे कैसे, मतलब सॉल्व कैसे करें, या फिर फॉर्मूलाज कैसे आए, या फिर सॉल्विंग डेरिवेशन उसने बताया, जैसे बेसिक फॉर्मूले से बेसिक बहुत ही बेसिक चालू कैसे करें, वो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट था मैथ्स में। और फिर उसके बाद सर की बहुत बढ़िया, तो मतलब वो क्वेश्चनर था जो सर डीपीक्यूज देते थे, डीपीक्यूज तो रोज के रोज बहुत बढ़िया थे। जो डीपीक्यूज आए उसने रोज रोज सॉल्व करने की वजह से कॉन्फिडेंस बढ़ गया। कॉन्फिडेंस बढ़ने की वजह से लास्ट डे में जो मैंने मार्क किए थे कि लाइक ये लास्ट डे में करना है, इसको रिवाइज करके जाना है, उसको मार्क किया था, फिर लास्ट में वही रिवाइज करके ऑलमोस्ट 90-95% पेपर पूरा उधर से ही आ गया। डेफिनेटली यहाँ पे एक बहुत अच्छा टेक निकल करके आता है कि देखो सिलेबस को टाइम पे खत्म करना चाहिए। मतलब मैं आपको एक बात बोलूंगा, मैं इन सबको बहुत अच्छे से जानता हूँ, हार्डवर्क किया है, मेरे सामने पढ़ा इन लोगों ने। मैं बोलता हूँ ये स्टूडेंट्स वो नहीं है कि कभी क्लास एब्सेंट कर गए, और यदि एब्सेंट करते थे तो ये मेरी क्लास को रुकवा देते थे कि सर पहले हमारा बैकअप हमारा हो गया है। इन्होंने लेक्चर्स को डंप नहीं किया। सबसे ज़्यादा बच्चे ये करते हैं कि स्टार्टिंग के 2 महीने पूरे खराब कर दिए और आखिरी में पूरे लेक्चर्स को डंप कर रहे हैं। सो वो आपको क्या करता है, ये फीलिंग देता है कि सिलेबस खत्म हो गया, बट कभी भी आपको ये कॉन्फिडेंस नहीं लेकर के आता कि हाँ मैं एग्जाम के लिए तैयार हूँ। मतलब ये इन शॉर्ट ये बात तो पक्की कि कॉन्फिडेंस हमारा रिविजन से आता है, मल्टीपल प्रैक्टिस करने से आता है।
सिर्फ सिलेबस खत्म करने से नहीं आता, आपके जो 300 क्वेश्चंस का आपने सेट दिया था और आपने जो टेस्ट पेपर्स दिए थे आपको 200 मार्क्स के 250 मार्क्स के, मतलब वो तो चेरी ऑन द केक था। मैंने लिटरली लास्ट का जो डेढ़ दिन था ना, मैंने उसमें वो पूरे सारे 300 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, मेरा हो गया उस, फिर मैंने मैथ्स के पेपर के दिन मैं चल दी। डायरेक्ट क्वेश्चन वर्ड, डायरेक्ट क्वेश्चन विश्वासन आ रहा है, मैं मैथ्स के पेपर के लिए सबसे चिल डाउन थी क्योंकि मुझे पता था मैथ्स हो जाएगा। वैसे ये बहुत डरती है, आज ये ऐसा बोल रही है मुझे, सया ऑनेस्टली मुझे मैथ्स से डर नहीं लगता था, मुझे बाकी सारे सब्जेक्ट्स से डर लगता। शर्वरी वो स्टूडेंट है, मैं बता दूं कि ये सबसे पहले क्लास में आंसर दे देती थी और लोग इसको इस पे चिढ़ते थे, और ये यही वो लोग हम सब इतना ज्यादा चिढ़ जाते थे कि हम इसे बोलते थे चुप करके बैठा कर या तो क्लास मत आया। बट दैट्स अ गुड थिंग, आप जब आंसर देते हो तो आप कॉन्फिडेंस भी महसूस करते हो एंड यू रियली रियली फील वेरी गुड कि आप आंसर आ रहा है, पहले आ रहा है, एंड आपको फाइट करना चाहिए। मैं हमेशा कहूंगा कि मैथमेटिक्स में इट्स नॉट लाइक दैट कि पहले फैकल्टी ने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, पहले क्वेश्चन आपने सॉल्व करना चाहिए, यू शुड गिव योर बेस्ट, उसके बाद आपको डिस्कस करना चाहिए। मैथ्स इज नॉट अबाउट द रटिफिकेशन, आप जितना ज्यादा समझ के जाओगे उतनी चीजें बेटर रहेंगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंटरव्यू, ऑल द बेस्ट, और यदि आपके कोई और भी क्वेश्चन है, सो गाइस पुट इन द कमेंट बॉक्स, वी विल एड्रेस ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ यू। सो थैंक यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू।